अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी, चने की दाल के पकोड़े। आपको ज़रूर पसंद आएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पकोड़ों को ट्राई भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिए थे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हाफ चने की दाल डालेंगे, ताकि पीसने में हमें आसानी हो। हम पूरी दाल देंगे तो सही से पेस्ट नहीं बन पाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा और 6 लहसुन के जवे। आप चाहें तो मिर्ची अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया है, कितना थिक पेस्ट बनाया है। बस इतना पीसना है कि दाल अच्छे से पिस जाए, पर ये थिक ही रहे, ज़्यादा पतला ना हो, वरना वड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कितने थिक हैं। और अब हम बाकी की बची हुई दाल भी अच्छे से पीस लेंगे। अब हमने सारी दाल पीस ली है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जिस दाल में मसाले हमने नहीं डाले थे, सॉल्ट नहीं डाला था, वो दाल भी अच्छे से मसाले और नमक के साथ मिक्स हो जाए। दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। मैंने 2 प्याज ली हैं, जिसे बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डालेंगे, और बारीक कटा हुआ सोया ऐड करेंगे। ये 1 पंच सोया लिया है मैंने, ये इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसे स्पून की मदद से मिक्स करें, या चाहे तो आप हाथ से मिक्स करिएगा। हाथ से आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होंगे, और ये जितना देर तक आप मिक्स करेंगे, आपके पकोड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, मैं से हाथ की मदद से इस तरह से एक तरफ मिक्स करूँगी। सिंपल 10 से 15 मिनट तक मिक्स करूँगी, ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट बने और ज़्यादा तेल भी ये अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, आप अपने हिसाब से तेल लीजिएगा जितना आपको लगे। अब हम इस मिक्सचर से इस तरह से टिक्की बनाएंगे। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ के बना सकते हैं। इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसे एक एक करके तेल में डाल देंगे। अब एक साथ हमें इसमें ज़्यादा पकोड़े नहीं डालना है, इतनी डालने की आराम से हम इसे टर्न कर सकें। देखिए, सब हमने डाल दिया है। अब इसे नीचे से गोल्डन होने तक हम इसे पकने देंगे। देखिए, इसका ऊपर से कलर चेंज होने लगा, ये हल्का सा हमें गोल्डन दिख रहा है, इसका मतलब ये नीचे से गोल्डन हो चुका है। हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए अच्छे से कितना बढ़िया कलर आया है इसका, नीचे से ये गोल्डन हो चुका है। हम सारे पकोड़ों को टर्न कर लिया है मैंने, अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए, दूसरी तरफ से भी अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, अब ये रेडी है, यही इसका सही कलर है। इसे और ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस अब इसे किसी भी चीज़ में हम निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी, तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।